Hey guys, assalamu alaikum. This is your host Sahil Star. Welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग अच्छे से होंगे, घर पे सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, मचा रहे होंगे. तो अभी मैं हूँ मामू के घर पे. मेरे मामू थोड़े से बीमार थे तो वो दिल्ली में है अभी, और मैं उनके घर आया हूँ. अभी मुझे यहाँ से जाना है पांपू और दूसरे मामू के घर पे. वहाँ पे छोटे छोटे कजन है मेरे, आप लोग उनको जानते ही होंगे, उनके व्लॉग्स आते थे, हनान और हलीफ. तो फिलहाल वहाँ जाएंगे, और यहाँ कुछ काम था वो भी खत्म करता हूँ, उसके बाद वहाँ जाता हूँ. तो आप लोग तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ढेर सारा प्यार दो. अभी हम लोग अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आएंगे और कंटिन्यू लेके आएंगे. तो अभी मैं मामू के घर से बाहर निकला और मैं जा रहा हूँ रेलवे, क्योंकि मेरी एक बहन आ रही है वहाँ से. बहन ही है मेरी वो, उसको वहाँ से लाना है घर. और एक छोटी सी लड़की आ रही है, उसको मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा. तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं पहले. अभी मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे के पास, मतलब रेलवे ट्रैक के पास पहुँचने वाला हूँ. एक शॉर्टकट लिया है मैंने वहाँ से, मतलब यहाँ से 2 या 3 मिनट का रास्ता है मामू के घर तक. उधर से आके स्कूटी मैंने उधर रखी है और अभी रेलवे ट्रैक पे मैं पहुँच गया. अब मैं आपको दिखा दूँ कितना दूर है, मतलब बहुत ही नज़दीक है यहाँ से. ये रेलवे ट्रैक है और वो रेलवे स्टेशन है, देखो, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है. अब अगर मैं वहाँ से नौगाम से जाता तो बहुत दूर पड़ता, तो ये मेरे को बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा. यहाँ से यहाँ तक चलना है इधर स्कूटी, और फिर 2 मिनट में घर पहुँच जाएंगे हम. जुगाड़ी जुगाड़, शॉर्टकट हर जगह से चाहिए आजकल. तो फिलहाल अभी हम जाते हैं उनको वहाँ से लाते और निकलते हैं घर, क्योंकि मेरे को पांपोर भी जाना है. अभी लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, वहाँ कजन्स वेट कर रहे हैं. तो अभी हम लोग आ गए. ओके ठीक है. तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, और यहाँ से ट्रेन आएगी अभी. तो मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी, मतलब इतनी सी प्यारी सी लड़की आ रही है, इतनी सी है. तो और उसके साथ एक और मेरी बहन है, तो दिखाता हूँ मैं आपको. तो यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है अभी. तो अभी ट्रेन यहाँ से चली गई और हमारे लोग बड़ी मुश्किल से मिले हैं. देखो मेरे लोग, हाय करो ना भाई. बा मत करो, मैं ऐसे ही घर तक चलूँगा. हाय करो इनको, बोलो सब्सक्राइब करो. तो अभी ट्रेन चली गई देखो, और ये हमारा कुछ श्रीनगर का रेलवे स्टेशन. आजकल कुछ ज़्यादा ही लोग यहाँ पे होते हैं. हेलो आप किस में आए वहाँ से? तेन में. आप किधर जाना है? श्रीनगर. आप तो श्रीनगर में ही हो, किसके घर जाना है? क्वीन के, हबीबी के? हबीबी के. चलो, इसने क्या किया आपको? कपड़े की लेके? हाँ इसने, ऐसे मत चले. कपड़े की लेके इसने पानी फेंका. फोजिया लुएश है ना, जरा इसको बोलो फोजिया लुएश. गंदी कूड़ा फेंक दिया रेलवे स्टेशन पे, गंदी कपड़े फेंकती है. अभी हम लोग घर गए हैं और ये है हमारी लुएश, लाइबा लुएश. लाइबा लुएश हाय करो. हाय. इनको बोलो हम घर पहुंचे. हम घर पहुंचे. अब क्या करना है? बैठना है. अच्छा अभी हम लोग अंदर आए और एकदम से सरप्राइज मिला. अंकल ने इतना डराया लाइबा को कसम से, मतलब पता नहीं वीडियो में आप लोग देख लो डरी वो या नहीं डरी. मुझे तो लगा वो क्या, मैं डर गया एकदम अचानक से, क्योंकि मैं वीडियो के साथ था. तो कभी मैं खाना खाता हूँ बहुत ज्यादा भूख लग रही है. अरे पहले भाई तो करो, नाराज क्यों हो गए? अरे भाई तो करो, मैं शाम को वापस आऊंगा. भाई भाई हाँ तो भाई शाम को आऊंगा, ठीक है? दो किसी एक, पहले किसी एक मुझे करो. बाय बाय भाई, मम्मा भाई, मम्मा भाई. तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मामू के घर, और मामू यहाँ पे है नहीं, वो खुद दिल्ली में, जैसे मैंने आप लोगों को बोला. तो अभी जाते हैं अंदर और मैं मिलाता हूँ अपने छोटे छोटे कजन से. अंदर नौटंकी. हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? हाय करो, हाय करो.
क्या हुआ, नाराज हो गए? जैसा आप लोगों को पता था, मैं मामू के घर आया हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं, मामा की दवाई घर पे भूल गई, हम लोग जा रहे हैं दवाई लाने के लिए मेडिकल शॉप पे। और मेरे साथ है मोहम्मद हनान खान और मोहम्मद हलीफ खान। ये मुझे बोल रहा था कि अपने व्यूवर्स को बोला हम स्कूटी पे जा रहे हैं, आप नहीं बोलते हो, आप गरीब आदमी हैं, तो इनको पता है कि मैं स्कूटी पे जाता हूँ। बोला जो स्कूटी पे जाना है, सबको पता है मैं स्कूटी पे जाता हूँ। तो फिलहाल हम लोग जाते हैं दवाई लाने मामा के लिए। मैं दोबारा इसको लेने वाला हूँ और ना मैं दोबारा उस बंदर को लेने वाला हूँ, क्योंकि इसको मैंने स्कूटी पर रखा, बोला उसका ख्याल रखना, और इसने उसको छोड़ दिया था, वो मार्केट में घूम रहा था, है ना। तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, खत्म। दोबारा मैं आप दो में से किसी को साथ नहीं लूंगा, आपको नहीं लेने वाला। आप कैसे स्कूटी से उतरे अगर मैंने आपको स्कूटी पर रखा था? आपने ये बोला उतरो। मैंने इसको बोला था उतरो, फिर क्यों आप उतरे? खत्म, दोबारा मैं अपने साथ नहीं लेने वाला, नहीं लेने वाला, इसको भी नहीं लूंगा। इसको बोला छोटे भाई का ख्याल रख, ख्याल क्यों नहीं रखा? हाँ मैं जा रहा हूँ, स्कूटी दो चाबी। नहीं दूंगा, तू भी खत्म, खेल खत्म। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी मैं बाहर तक आया बिल्कुल अकेले, क्योंकि मेरे कजन्स हैं, वो मतलब एक जगह नहीं रहते हैं। अगर मैं उनको साथ लाऊंगा, एक उधर भागेगा एक इधर भागेगा, उस वजह से मैं अकेला निकला, क्योंकि घर के लिए कुछ चीज़ें लानी थी, उसके लिए मेरे को स्कूटी भी उधर ही रखनी पड़ी। अगर मैं स्कूटी लेता तो वो बिल्कुल मानते ही नहीं, तो मैं निकला। लेकिन यहाँ का व्यू अभी बहुत ही बढ़िया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फिलहाल मैं सामान लेता हूँ और फिर वापस जाता हूँ। मतलब मेरे को एक होल्डर लेना है, कुछ चीज़ें वहाँ पे लैंप लगाना है, थोड़ा सा ना ब्राइट हो जाएगा वो रूम, तो हम व्लॉग भी अच्छे से कर पाएंगे। अभी जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मतलब मौसम फिर भी ठीक ठाक था, उतना भी ख़राब नहीं था। अभी 2 ही मिनट हुआ मैं सामान लेके वापस आया, सामान मतलब इसी हाथ में, थोड़ा सा ही सामान है, ज़्यादा नहीं है। तो मतलब मौसम दिखाता हूँ मैं, ये देखो मौसम की हालत एकदम से जज्बात बदल दिए मौसम ने। सीरियसली यार देखो क्या हो गया मौसम को, आज समझ नहीं आ रहा है क्या सीन हो रहा है, बारिश है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं जा रहा हूँ श्रीनगर, मतलब अभी मैं हूँ पांपोर में, तो अभी मैं जा रहा हूँ बरबर शाह, मेरा कोरियर आया है। मतलब स्कूल के आई कार्ड्स हमने मंगवाए थे, क्योंकि वो प्रिंट करने हैं स्कूल्स में फिर देने हो, तो फिलहाल अभी मैं जाता हूँ, मैंने मंगवाए थोड़े से आई कार्ड, ज़्यादा नहीं है, कुछ 400-500 आई कार्ड्स होंगे वो। तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और अभी दिन के बज चुके हैं एक। स्कूटी मैंने इधर रखी थी, सुबह निकाल के मम्मा के साथ गया था, और सामने देखो दरिया है इधर, तो निकलते हैं। मौसम आज कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, आई होप कि बारिश ना हो। ये रहा हमारा कोरियर, मतलब मैंने थोड़ा सा खोल के चेक किया था वहाँ से, तो ज़्यादा नहीं है, इट्स लाइक सैम्पल्स और थोड़े से ही हैं इसमें, कुछ 400 पीसेज होंगे। तो अभी मैं हेलमेट स्कूटी में रखता हूँ और अंदर जाता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा मैं यहाँ से जब गया था वहाँ से वापस आया, मैंने आप लोगों को बोला था मौसम अच्छा ही रहना चाहिए। देखो ऊपर, मौसम पे आजकल कोई भरोसा नहीं है, मतलब अभी 1-2 घंटे हुए गए हुए और आए हुए। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट्स में बता देना क्यों नहीं लगा। बाय, टेक केयर, लव, पीस, पीस आउट।